बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल पर्पस डायोड का जो हमारा सीज़न होगा, ये बेसिकली ये जो स्पेशल पर्पस डायोड्स है, ये डायोड्स एंड एप्लीकेशन जो हमारी सीरीज़ थी, ये उसका सेकंड एडिशन है, यानी कि उसी से नेक्स्ट है। बस उसके अंदर जो हमने डायोड्स पढ़े थे वो बेसिक पढ़े थे, अब हम उसी डायोड को स्पेशल पर्पस डायोड की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि हम लोग इस सीज़न में क्या क्या करेंगे। सीज़न टू में स्पेशल पर्पस डायोड्स को हम मेन फोकस करेंगे, जिसके अंदर हम ज़ीनर डायोड को देख सकते हैं, और मेन चीज़ हमारी जो ज़ीनर डायोड होगी, ज़ीनर डायोड की एप्लीकेशंस को देखेंगे। उसके अलावा हम वेरिस्टर को देखेंगे, वेरिस्टर जो डायोड होता है उसको भी देखेंगे, ऑप्टिकल डायोड्स को भी देखेंगे, और इसी तरह कुछ और टाइप्स हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा टच देना है स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में, ज़ीनर डायोड क्या होता है। ज़ीनर डायोड की जो मेजर एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर, इसके अंदर हम लोग इसकी यही एप्लीकेशन देखेंगे कि ये वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करता है, और ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ये पावर सप्लाईज़ और वोल्ट मीटर और इसी तरह कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स में ये एज़ ए वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल होता है। और हम इसको देखेंगे कैसे ये वोल्टेज रेगुलेट कर सकता है अंडर ये कांस्टेंट, यानी कि हमें डीसी आउटपुट वोल्टेज लेवल कैसे प्रोवाइड करता है, क्या इसकी कंडीशंस हैं प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए, जाके इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, यही चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमारा जो पहले डायोड था, जो हमने सिंपल डायोड देखा था, वो कुछ यूं था, जिसके अंदर मैंने आपको पहले सीज़न में जो बताया था उसके अंदर ये एक ये सिंपल डायोड था 1N4007, जिसको हम अक्सर ये नंबर भी हमारे लिए यूज़ होता है सिंपल डायोड को। इसके लिए हम अगर हम सिंपल समरी के तौर पर बात करें तो वो ये है कि ये एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस, जिसको हमने फॉरवर्ड बायस स्टेट कहा था, ये इसका क्या होता था एनोड, और ये हमने इसको कैथोड का नाम दिया था। तो ये हमारा उसका सिंबल था, जब हम इसको यूं इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते थे, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल, जब हम इस तरह से कनेक्ट करते थे तो तब हमारे पास ये जो डायोड है ये वर्किंग स्टेट में आता था, और ये रिवर्स बायस में हम इसको जनरली यही कहते थे कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करता। इसी तरह अब हम जब ज़ीनर के केस में आते हैं तो थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि स्पेशल पर्पस डायोड्स में आ जाते हैं, तो आज हमने ज़ीनर डायोड देखना है। तो ज़ीनर डायोड का भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ज़ीनर डायोड भी इसी तरह है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसी तरह से आप कह लें कि ये ट्राइंगल उसी तरह से है, लेकिन जहाँ पर हमने ये स्ट्रेट लाइन थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने एक कर्व टाइप मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और ये जो मैंने बेंट लाइन ड्रॉ की है थोड़ी सी, ये वाली क्या है बेंट लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जब इसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं तो ये जी की तरह बन जाता है। तो ये जब हम ये देखें ऐसे जी, तो ये जी हमें रिमाइंड करता है, ये हमने इसीलिए इसको इस तरह का बनाया होता है कि ये जी ज़ीनर डायोड के लिए होता है। तो क्योंकि ज़ीनर बेसिकली हमारे पास वहाँ से आया कि इसको इन्वेंट करने वाला जो है वो हमारे पास क्लारेंस क्लारेंस मेलविन ज़ीनर ने, ये हमारे पास 1930 में जब उसने पीएचडी की थी, ये इसने पीएचडी की थी, ठीक है, ये अमेरिका में पैदा हुआ था और इसने 1930 में पीएचडी की थी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसने पीएचडी की थी, हाँ जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसने पीएचडी की थी, और इसने 1932 में इसने रिसर्च पेपर जो अपना इसका पहला रिसर्च पेपर था इसी के ऊपर, ये डायोड के ऊपर इसने रिसर्च की थी, पहले इसके ऊपर रिसर्च पेपर इसने पब्लिश किया 1932 में, देन इसने आगे चलकर तकरीबन 1950 के राउंड अबाउट इसने इसको फर्दर जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में इसने प्रैक्टिकली करके दिखाया, रिवर्स की जो थी
इसके बारे में रिवर्स बायस में जो भी जो, क्योंकि रिवर्स अभी हमने जो जीनर डायोड का मैं आगे चल के बताऊंगा, तो बेसिकली रिवर्स बायस में ही हम इसको टोटली, इसकी गेम जो है वो रिवर्स बायस में ही है। तो इसने रिवर्स बायस के जो करेक्टरिस्टिक्स हमने डायोड के बताए थे, तभी हमने एक जीनर डायोड के नाम से हमने एक इन्वेंट कर लिया। इसका नाम हमने जीनर रखा इस साइंटिस्ट के नाम पर, ये क्योंकि इसका नाम जीनर था, और ये इसने 1950 में किया था। और इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो थी बेल लैब्स, ये अमेरिका में है बेल लैब्स, उस वहाँ पर ये जो बेल लैब्स में जब इसने 1950 में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उसके बाद ही ये जो डायोड का नाम था एक स्पेशल पर्पस डायोड के नाम से जीनर हुआ, और इसका ये सिंबल इस तरह से हमने ये किया। ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। जीनर डायोड जो है वो हमारे पास, जैसे जो हमने लास्ट सीजन में डिस्कशन की थी आम डायोड की तरह, इसी तरह ये भी सिलिकॉन से ही बना होता है, और यहाँ पर जर्मेनियम भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अब आप फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है ओवर जर्मेनियम, मोस्टली सिलिकॉन ही यूज़ होता है। वो मैं यहाँ पर अभी डिस्कशन में नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि अब वो फिर आपने अगर देखना है तो इसकी भी सेम रीज़न है इस डायोड की भी, क्योंकि ये उसी की आगे फर्दर टाइप है। आप सीज़न वन में देख चुके हैं उसको ऑलरेडी। और उसके अलावा अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक कर्व की बात करूँ, जो हमने वहाँ पर भी बात की थी, तो करेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। मेन चीज़ की करेक्टरिस्टिक कर्व है, ज़्यादा डिटेल्स में अब थोड़ी सा बेसिक तो हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं बेसिक्स के बारे में नहीं जा रहा। तो अब हम थोड़ा सा इसके करेक्टरिस्टिक कर्व को अगर हम थोड़ा सा देख सकें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर आपको समझा पाऊँ। वी एफ, यहाँ पर हम आई एफ, इसी तरह जिस तरह उसी उसी केस में हमने वी आर, और यहाँ पर हम आई आर कह देते हैं। ये एफ आई एफ क्या है, यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड बाइस के केस में, यहाँ पर ये रिवर्स बाइस नीचे को, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड वी एफ, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस के केस में, और वोल्टेज रिवर्स बाइस के केस में। उस केस का ग्राफ मैं यहाँ पर साइड पे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। सेम जो है इसके पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर क्या होता था हमारे पास, ये ऑलमोस्ट ये था प्रैक्टिकल केस में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हम यूँ कहते थे कि काफ़ी आगे जाके यहाँ पे डॉट शो करके काफ़ी आगे जाके हमारे पास जो है वो आगे जाके ब्रेक डाउन भी आ जाता है, ठीक है। एक उसकी रेंज होती है जो कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो आपको बता देते हैं कि क्या रेंज है, जो भी रेंज है आपको मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है कि डोपिंग, आपको एक लफ्ज़ मैंने वहाँ पर डोपिंग बताया था, तो वो भी आपने वहाँ से ही देखना है। यहाँ पर मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा डोपिंग का, जनरली इन शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ। डोपिंग हम लोग करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिस तरह से भी हमने डोपिंग की होती है देख, तो उसको हम लोग केयरफुली डोपिंग करते हैं, जिस तरह के भी हमें रिक्वायरमेंट्स आई हैं। उस केस में हम लोग इसको फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट करवाना होता, तो हम इस तरह की डोपिंग करते थे। लेकिन चूंकि हमारे इसके अंदर रिवर्स बाइस की गेम है, तो हम इसके अंदर डोपिंग रिवर्स बाइस की इस तरह से की होती है कि वो भी हम इस ग्राफ में देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से की होती है। तो अगर हम ग्राफ वो ड्रा करें यहाँ पर, तो वो कुछ यूँ है कि यहाँ से क्या है? ये बिल्कुल उसी तरह ये फॉरवर्ड बाइस के केस में, ठीक है, ये नी ऑफ द कर्व कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट में जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, और उसके बाद ये हमारे पास ग्रेजुअली करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 0.7 के बाद, ठीक है। उसी तरह अगर हम रिवर्स बाइस की बात करें कि लेट से कि ये हमारा ग्राफ है, और ये चलें थोड़ी सी हमारे पास जो है वो लीकेज करंट भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये लीकेज करंट होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर हम नीचे की तरफ रिवर्स की नीचे की तरफ वो ग्राफ आ रहा है, ये देखें थोड़ा सा नीचे की तरफ इस कर्व से, ब्लू लाइन से ये थोड़ा सा नीचे है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमने चूंकि इसको डोपिंग की ही इस तरह है कि हमारा ये रीजन जल्दी आ जाए, अब क्या होता है कि ये रीजन आ जाता है रिवर्स बाइस का। उसके बाद क्या होता है ब्रेक डाउन रीजन, इसको हम क्या क्या कहते थे ब्रेक डाउन रीजन, ये ब्रेक डाउन रीजन आता है, और ये कुछ इस तरह से इंक्रीज़ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता ग्राफ। ये बात मैंने तब भी बताई थी शायद, लेकिन अगर नहीं भी बताई तो लेट्स मैं बता देता हूँ कि ग्राफ जैसे यहाँ पर भी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, मेरे से स्ट्रेट बन गया थोड़ा सा, ये ऐसे ये थोड़ा सा कुछ यूँ होता है, ऐसे ही रिवर्स में होता है। जैसे कि आप क्योंकि ये आइडियल केसेस नहीं होते, तो जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इस पॉइंट पे ये है, तो अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो ये पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेटली नीचे यहाँ पर लाऊं, तो ये देखें, मतलब कहने का मतलब जस्ट ये होता है कि फॉर अ वेरी लिटिल इंक्रीज इन दी वोल्टेज लेवल, आप देख सकते हैं कि करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पहले करंट क्या हो रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये होता है कि ये नी होती है, ये नी ऑफ द कर्व हम इसको कहते हैं ये, और ये जब एकदम से आपका
चेंज आ जाता है, सडन चेंज आपके पास आ जाती है ग्राफ में, उसको हम नी कहते हैं। तो बाकी रिवर्स ब्रेकडाउन के बारे में फर्दर जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छा एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि ये जो रीजन है, ये यहाँ हुआ, ये सारा रीजन, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट किया, ये जो रीजन है, ये जो रीजन, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है। और ये क्या है, नॉर्मल ऑपरेशन में, ये नॉर्मल ऑपरेशन है, ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन हमने इस रीजन के अंदर अंदर रहते हुए शेडेड पोर्शन में जीनर डायोड को ऑपरेट करवाना है। तो जस्ट आज की वीडियो में इतना ही। अब इस दफ़ा हमने एक और जो चेंजिंग की है कि नेक्स्ट टाइम से, आज तो 10 मिनट से ऊपर होगी, नेक्स्ट टाइम हमने 10 मिनट से के अंदर अंदर वीडियो रखनी है। लास्ट टाइम हमने 20 to 25 मिनट्स का टाइम सेट किया था, इस दफ़ा हमने तकरीबन 10 मिनट्स का टाइम जो है वो सेट करना है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। सो आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।